गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अब भी सुबह के बजे हैं 9 और देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। मैं आई हूँ पार्क में, मैं आपको अपने घर पे नहीं मिलूंगी। रीज़न मैंने आपको बता दिया था, घर पे काम चल रहा है तो इस वजह से वहाँ पे ब्लॉगिंग करना अभी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत धूल मिट्टियाँ उड़ रही हैं गाइस ग्राइंडिंग के काम से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ब्लॉगिंग अपने पार्क पर कर दूँ और आपको अपने पार्क का दिखा दूँ, टूर करा दूँ। लोग होम टूर कराते हैं, मैं पार्क टूर करा दूँ कि यहाँ का पार्क किस तरह कैसे है। बिल्कुल अच्छी तरह से अभी ये सेट नहीं है, घासें बहुत बड़ी हो गई हैं लॉकडाउन की वजह से, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है सही से काम। तो फिर मैं आपको क्या कहते हैं, आपको बिल्कुल अच्छी तरह नहीं दिखेगा कि जिस तरह पार्क में सेटिंग होती है, जिस तरह पहले थी। मेरे साथ मेरे बच्चे भी आए हैं, मेरा भतीजा भी आया, पूरी फैमिली आई है, सभी लोग आए हैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए। जिस तरह आज मौसम अभी क्या कहते हैं ना, थोड़ा सा बदल बदल टाइप का है, धूप भी निकल रही है बट बदल भी हो जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग हैं पार्क में, मुझे देख रहे हैं, कह रहे होंगे पागल होगी लड़की क्या कर रही है, बट मैं अपना काम कर रही हूँ। तो चलिए मैं ज़्यादा बातें करती हूँ, ये ना आपको अपने अपने पार्क की, आपको पार्क टूर करेंगे। यहाँ पे इस तरह की बहुत सारे एक्सरसाइजिंग मशीन लगी है, क्या बोलते हो आप इसे, टूल कह सकते हो या मशीन कह सकते हो, लगे हैं। शाम के टाइम आपको यहाँ पे भीड़ दिखेगी, चारों तरफ इन्होंने इस तरह का दिया हुआ है और ये आरू है, राउंड कर रही है। तो ये मैं आपको एक बारी घूम कर दिखा दे रही, इस तरह के यहाँ पे 5-6 मशीनें लगी हुई हैं कि गाइस चारों तरफ से सड़कें इसमें बनी हैं पार्क में। आप किसी भी तरफ से जा करके आप राउंड यहाँ पे लगा सकते हो। अभी आपको बहुत बड़ी बड़ी घासें दिखने को मिलेंगी क्योंकि यहाँ पे सेटिंग नहीं हो पाई, आपको पता है लॉकडाउन की वजह से ये सारा हुआ है। एंड इधर की साइड ये आपको एक छोटा सा रूम देखने को मिलेगा। एंड ये जो आपको जहाँ पे चेयर है ना, ये जो जगह देखने को मिल रही है और ये जो यहाँ पे ईंटें लगी हुई हैं, यहाँ पे ना मिक्की माउस का एक झूला लगता था बहुत बड़ा सा, बच्चे यहाँ पे जब भी आते थे तो झूलते थे और ये झूला डे एंड नाइट होता था। लोग हम लोग खुद यहाँ पे 10:30 बजे तक क्या कहते हैं टाइम स्पेंड करके गए हैं और झूला बहुत अच्छा लगता था, बच्चे यहाँ पे खेलते थे, कितनी अच्छी तरह टाइम निकल जाता था। और पब्लिक का रस यहाँ पर इतना होता था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, आपको स्पेस नहीं मिलता था कि आप कहीं बैठ सकते थे। तो एक ये एरिया है गाइस मेरे पार्क का। और गाइस ये आपको बीच में ना इस तरह के पत्थर देखने को मिलेंगे, बीच में ऐसे ना 4-4, 5-5 पत्थर एक एक जगह सटाकर रखे गए हैं, और बैठने के लिए या लुक देने के लिए आप बोल सकते हैं। उसके पीछे भी इसी तरह के पत्थर हैं और सामने एक पानी की टंकी है। एंड उसके बाद जो है ना गाइस एक झूला वहाँ पर क्या कहते हैं बच्चों के लिए झूला लगा है, अब भी शायद वो थोड़ा वहाँ पर टूट गया है बट मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखा दूँ। तो ये इस तरह का गाइस यहाँ पर ये झूला दिया हुआ है, तो इस तरह का गाइस यहाँ पे ये झूला है बच्चों के झूलने के लिए। एंड इधर एक ये इस तरह का है, यहाँ पे बच्चे ऊपर चढ़ के यहाँ पे स्टंट करते हैं। पर मैं बिल्कुल ना इस तरह यहाँ पे इन्होंने फाउंटेन दिया है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है और रात को ये चलता भी है। तो चलिए अभी मैं आपको ऐसे राउंड लगा के हल्का हल्का सा आपको पूरे पार्क का ये टूर करा देती हूँ, आप देख लीजिएगा। और आप अभी तो मेरे पे उतनी कम्युनिटी नहीं है जिससे मुझे गाइडलाइंस मिले एक परफेक्ट पार्क में क्या होना चाहिए, फिर भी जो मुझे सही लगा मैंने आपको बना के दिखा दिया। आप मुझे बताना इसमें और कौन सी चेंजिंग होनी चाहिए। तो इस तरह का है गाइस,